वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुमकुम भागेगा आज का एपिसोड तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप जी टीवी और जी फाइव पर कभी भी एपिसोड देख सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं आने वाले एपिसोड में क्या खास देखने को मिलने वाला है। हमने एक आपको बोनस पॉइंट बताया था कि प्रियंका की वजह से अब आने वाली है अभी और प्रज्ञा के बीच में दूरियां, और वहीं दूसरी तरफ सच्चाई की भी जीत होने वाली है। अब क्या क्या होगा खास, चलिए सब कुछ आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। प्रियंका का केस पूरी तरह से अब उसके हाथ से निकलते जा रहा है, जिसमें से प्रज्ञा के वकील की तरफ से सबसे बड़ा बयान पेश किया गया कि यहाँ पर मारा गया था ऋषि को, वो भी जेल के अंदर और वो भी अभी के द्वारा, और इसके वजह से यहाँ पर प्रियंका का केस थोड़ा सा और वीक हो गया। और यहाँ पर जज भी ऐसी है जो कि काफी ज्यादा हद तक साथ देने के लिए सच्चाई का साथ देती है। वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि अभी और प्रज्ञा के बीच में दूरी इसी वजह से पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर वो जो बयान है वो पूरी तरह से अभी को लगता है कि प्रज्ञा के कहने पर किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। और प्रज्ञा को पूरी तरह से अलग करने के लिए और अभी को भड़काने के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर प्रियंका एक और चाल चलेगी, अभी और प्रज्ञा की जिंदगी तबाह करना चाहती है अब, क्योंकि वो तो पूरी तरह से ऋषि के हाथ से पूरी तरह से फिसलते जा रहे, ऋषि उसके पास में जाना नहीं चाहता। अब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि प्रज्ञा अब किस तरह से अभी को समझाएगी, लेकिन उसी के बीच में एक और बहुत ही मेजर फाइट होने वाली है अभी और प्रज्ञा के बीच में, जो कि आप सबको पसंद आएगा। और वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से फिर से अभी और प्रज्ञा आमने सामने आएंगे और सच्चाई की जीत होगी, यानी अब इंसाफ मिलेगा, वो भी किसी और को नहीं ऋषि को। कितने ज्यादा एक्साइटेड है सब देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें।